हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम हरियाणा टेट पीआरटी पेपर 2019 की बात करेंगे, जिसकी एग्ज़ाम नवंबर 2019 में हुई थी। इस वीडियो में हम पीआरटी पेपर के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन है वो जनरल हिंदी के सोल्व करेंगे और इनकी हल्की फुल्की व्याख्या करते हुए चलेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और वीडियो वो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना बने। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए हुए से प्रैक्टिस करने से आप सबको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन का अभी वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो देखने ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम 2019 मैंने आपको बताया था, पीआरटी पेपर है क्लास 1 टू 5 है। और आप सबको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इसका हरियाणा टेट नवंबर 2019 का, मैंने पीजीटी का पेपर भी आपको करवा दिया है और टीजीटी का पेपर भी करवा दिया है, तो आज का हमारा ये पीआरटी वाला पेपर हो जाएगा। इसके बाद हम एच टेट का ही एक एग्ज़ाम जनवरी 2019 में हुई थी, जो एग्ज़ाम मतलब 2018 में होनी थी वो जनवरी 2019 में हुई थी, उसको हम इसके बाद सोल्व करेंगे। उसके बाद हम रीट या आर टेट वाले पेपर सोल्व करेंगे, फिर और किसी पेपर का या आरपीएससी की किसी एग्ज़ाम का हम सोल्व करेंगे। और आप बने रहिए इस चैनल पे, हर रोज़ आपको साइकोलॉजी के 30 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ, योकम, सिमप्सन और डॉक्टर मैकी। अब दोस्तों, आप देखोगे तो क्वेश्चन है वो लगभग 50%, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लगभग 50 या 60% क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट होते हैं, और लगभग 20 या 30% आपको हेल्प मिल जाएगी भाषा से संबंधित, मतलब क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये प्रकार मैं बताऊं तो आपको, मतलब अगर रीट की मैं बात करूं तो आप अगर हर वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा एग्ज़ाम के अंदर कि आप 30 में से 25 क्वेश्चन, मेरी गारंटी है, अगर आप और कुछ भी नहीं पढ़ते हैं सिर्फ ये क्वेश्चन करते हैं, तो भी आपके 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, जो आपके मतलब फाइनल रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता होगी साइकोलॉजी की। अगर आप 25+ क्वेश्चन लेके जाते हो तो आपका सिलेक्शन है वो टॉप 100 के अंदर होना, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? आप सबको पता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने हमारे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 19 पेपर किए हैं और जो एच टेट वाले पेपर किए हैं, आज 3 हो जाएंगे, इनमें ये परिभाषा आई हुई है। सीखना विकास की प्रक्रिया किसकी है? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वुडवर्थ के द्वारा। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 वर्ष, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 2 वर्ष तक। फिर आता है अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? अविरत मूल्यांकन, नियतकालिक मूल्यांकन, उपरोक्त 1 तथा 2 दोनों, और उपरोक्त 1 तथा 2 दोनों ही नहीं। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर पूछा है, समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार के मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण है, वो क्या मतलब क्या कहलाता है ये मूल्यांकन? तो दोस्तों, ये है नियतकालिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें मतलब राइट है, नियतकालिक मूल्यांकन। फिर आता है अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है? वुडवर्थ द्वारा, स्किनर द्वारा, सिमप्सन द्वारा और पावलोव द्वारा। तो दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में परिभाषा आती है, स्किनर की परिभाषा है। स्किनर की मैं एक मतलब थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको, मतलब 90% जगहों पे ये काम करती है कि जहाँ पे शिक्षण या सीखने से संबंधित कोई चीज़ आती है, वो लगभग 90% चांस है कि वो परिभाषा है किसी भी चीज़ में हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान में हो या मनोविज्ञान में हो या और किसी चीज़ भी हो, अगर शिक्षण और सीखने से संबंधित कोई है तो अगर आपको आ रहा है तो आपको आ रहा है वही करना है, अगर नहीं आ रहा है आपको तुक्का ही लगाना है तो आप स्किनर पे जाएं, स्किनर की 90% परिभाषाओं में ये 2 शब्द आपको देखने को ही मिलेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, ये परिभाषा है स्किनर की। फिर आता है अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो अनुकलन या अनुबंधन अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड की, अंतर्दृष्टि या शोध का सिद्धांत है वर्दिमर एवं कोहलर का, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है थोंडाइक, गेट्स और स्टीफेन का, और पुनर्वलन सिद्धांत है हेल एवं स्किनर का।
तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें अनुकूलन या अनुबंध सिद्धांत है वो वुल्फ एवं रीड का नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अनुकूलन और अनुबंध है वो पावलो वाला सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। वुल्फ की जगह यहाँ पे आना चाहिए था पावलो, क्योंकि सी आर थ्योरी है वो पावलो की। आप इंग्लिश वाला नाम, मैं कहता हूँ बहुत बार की इंग्लिश वाला नाम ध्यान में रखें, सी आर, ये देखिए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, सी आर थ्योरी है पावलो की। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए, इन अंकों को सीसीई योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है, B2, C1, C2 और B1। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा C2, मतलब 100 में से 47 अंक प्राप्त किए हैं तो इन अंकों को सीसीई योजना के अंतर्गत कौन सी ग्रेड में रखा जाएगा, C2। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसमें बिल्कुल राइट है, मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक आंसर की गई बता रहा हूँ, इसमें आ जाएगा C2। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है, समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन और संस्कृति एवं भाषा। तो दोस्तों इसमें वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना वो सीखने के लिए केंद्रीय होती है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, संस्कृति और भाषा। संस्कृति और भाषा से संबंधित ही अपना सिद्धांत वाइगोत्स्की ने आप सबको बताया कि दिया था, तो आएगा इसमें ऑप्शन नंबर फोर, संस्कृति और भाषा। अब है अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है, लगभग 200, लगभग 300, लगभग 500 और लगभग 1000। तो दोस्तों इसमें है लगभग 1000, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है, तो ऑप्शन नंबर फोर है 1000। अब दोस्तों किसी बुक में, मतलब ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, किसी बुक में ये भी दे रखे हैं तो 2 वर्ष में है वो लगभग बालक सीखता है, मतलब 272 की समथिंग शब्द है वो 2 वर्ष की पूर्णता पर सीखता है, और 5 वर्ष में बालक है वो लगभग 1000 शब्द सीखता है, लेकिन इसमें 3 वर्ष में ही अब आंसर है वो लगभग 1000 शब्द दे रखा है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, पठन विकार से, विवाहगत विकार से और गणितीय विकार से। तो दोस्तों डिस्लेक्सिया की बात कर रहा है तो डिस्लेक्सिया है पठन विकार से, ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो इसमें राइट हो जाएगा, पठन विकार से। इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ पीजीटी और टीजीटी की तुलनात्मक, तो इसमें क्वेश्चन है वो कुछ इजी लग रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी वाला पेपर वास्तव में कुछ टफ था, उसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, वैसे ही क्वेश्चन आपको रीट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, संरचनात्मक आकलन की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, समूह परिचर्चा, मानदंड संदर्भित परीक्षण और वार्तालाप। तो संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसमें आ जाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, मानदंड संदर्भित परीक्षण। अब आता है अगला क्वेश्चन, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपनी माता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। तो दोस्तों इसमें बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपनी माता के प्रति प्रेम और पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओडिपस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर फोर इसमें राइट हो जाएगा। बालक है वो अपने मतलब माता से ज़्यादा प्रेम करने लगता है ओडिपस ग्रंथि के कारण, और बालिका अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करने लगती है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। तो इसमें हो जाएगा बालक दे रखा है पिता से मतलब पितृ प्रेम, पितृ विरोधी भावना और माता के प्रति प्रेम है, इसलिए हो जाएगा ओडिपस ग्रंथि। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन और अनुदैर्ध्य अध्ययन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय की अवधि तक किया जाता है, तो उस अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन नंबर फोर, अनुदैर्ध्य अध्ययन, ऑप्शन फोर इसमें बिल्कुल राइट है, अनुदैर्ध्य अध्ययन है वो, विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और स्मृतिकरण। तो दोस्तों स्मृतिकरण है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर है वो इसमें राइट हो जाएगा, स्मृतिकरण। अब आता है अगला क्वेश्चन, फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा होलार्ड डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है, समान व्यवहार, सहसंबंधात्मक व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार और सुमेलित आश्रित व्यवहार।
तो दोस्तों इसमें पूछा है कि मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहसंबंधात्मक व्यवहार। ऑप्शन सेकंड इसमें सही है, सहसंबंधात्मक व्यवहार। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्रशंसा, चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता और आकांक्षा स्तर। तो आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहा है दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है प्रशंसा, चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता और आकांक्षा स्तर। तो दोस्तों प्रशंसा होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती, बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल राइट है, प्रशंसा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया था? अल्फ्रेड बिन्नी, थर्स्टन, थोंडाइक और गिलफोर्ड। तो दोस्तों इसमें मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम उपयोग है वो बिन्नी ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो इसमें राइट है। इसकी ट्रिक है MAB, मतलब MAB, M का हो जाएगा मानसिक, A का हो जाएगा आयु और B का हो जाएगा बिन्नी, मतलब मानसिक आयु बिन्नी, MAB, मानसिक आयु शब्द वो बिन्नी ने दिया था। अब आता है अगला क्वेश्चन, रूस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों मिथ्या परिपक्वता काल है वो रूस ने बाल्यावस्था को कहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और निर्देशन। तो दोस्तों इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण बताया कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है गाइडेंस। ऑप्शन नंबर फोर है वो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, और वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता ये सब होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। अब आता है अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कंठा या जिज्ञासा को संतुष्ट करना और बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो कौन क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो इसमें राइट हो जाएगा, बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही है? सही नहीं है दोस्तों, नहीं का आप जरूर ध्यान रखें, सही नहीं है। पैर से सर, निकट से दूर, सर से पैर और वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। तो वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही नहीं है ये बात बोल रहा है। तो दोस्तों सही क्या नहीं है? पैर से सिर, क्योंकि आप सबको पता है कि वृद्धि और विकास है वो सिर से पैर की ओर चलती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अल्फ्रेड बिन्ने, गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर और थोंडाइक। तो दोस्तों क्या पूछा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत था हार्वर्ड गार्डनर का, और बहु मतलब इसमें बहु तत्व आ जाता तो किसका हो जाता? थोंडाई का, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है थोंडाई की, और बहुबुद्धि सिद्धांत वो है हार्वर्ड गार्डनर का। अब आता है अगला क्वेश्चन, फ्राइड के द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? मुख्य अवस्था, गुद्धावस्था, गुप्त अवस्था या आइकॉनिक या प्रतिभावस्था। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है, आइकॉनिक या प्रतिभावस्था है वो मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं बताई है फ्राइड के, मतलब फ्राइड ने ये अवस्था नहीं बताई थी। कौन सी? ऑप्शन नंबर फोर है इसमें बिल्कुल राइट है, आइकॉनिक अवस्था या प्रतिभावस्था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो तो किस प्रकार का बालक कहते हैं? मानसिक रूप से मंदित बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, मूर्ख या बेवकूफ या जड़। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या कहा है कि जो अपने स्कूल जीवन के बीच में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ हो वो बालक कहलाता है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। अब आता है अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संपत्ति एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है, इस प्रकार का अधिगम कहलाता है? संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, महाकोटि सीखना और सहसंबंधात्मक सीखना। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संपत्ति एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है। तो
तो इस प्रकार का सीखना कहलाता है सह संबंधात्मक सीखना, मतलब उनसे रिलेटेड करते हुए वो आगे का ज्ञान है वो सीख रहा है, इसलिए आ जाएगा को रिलेटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर 4 सह संबंधात्मक सीखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? अल्बर्ट बांडूरा, जीन पैजे, एस एल बेन बेम या आर ए बेरन? तो दोस्तों इसमें पूछिए कि जेंडर स्कीमा थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित की थी, तो एस एल बेम, ये भी मतलब नया क्वेश्चन है, जेंडर स्कीमा थ्योरी वो किसने दी थी? एस एल बेम ने, ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें बिल्कुल राइट है, एस एल बेम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समवर्धी कार्यक्रम नहीं है? पाठ्यक्रम में समवर्धी, वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध और विशिष्ट आवासीय विद्यालय? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए समवर्धी कार्यक्रम नहीं है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा विशिष्ट आवासीय विद्यालय, ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है, वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ तथा पितृ पक्षों का नियम और संयोग का नियम? तो दोस्तों इसमें कि कुछ बच्चे हैं अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं या ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है, वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह क्या होता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 2 से 6 वर्ष और 4 से 7 वर्ष? तो दोस्तों इसमें आरंभिक बाल्यकाल का पूछ रहा है, आरंभिक बाल्यकाल है 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह क्या कहलाता है? 2 से 6 वर्ष है, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसमें बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, AAMD एंड PNA APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि ह्रास क्या होता है? मतलब इसमें क्या है कि AAMD तथा APA के अनुसार मानसिक मंदता युक्त बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35 या 20 से नीचे? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी 20 से 35, ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट है, 20 से 35। अब आता है आज का हमारा साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, अहम केंद्रित का गुण जीन पैजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों इसमें अहम केंद्रिकता, इगोसेंट्रिज्म, यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रिकता का गुण है वो पाया जाता है। अब दोस्तों ये थे हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, अब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अब बात करते हैं हम हिंदी के 15 क्वेश्चनों की, निम्न में से प्रारब्ध शब्द का विलोम क्या है? अनारब्ध, आरब्ध, अपौरुष या उपलब्ध? तो दोस्तों इसमें प्रारब्ध का विलोम शब्द पूछा है, तो इसमें हो जाएगा अनारब्ध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, अनारब्ध। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द लय प्रत्यय से युक्त नहीं है? शाम्बल, कुशल, रोमल और आंचल? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि लय प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो हो जाएगा आंचल, ऑप्शन नंबर 4। आंचल में मतलब नहीं है पूछा है दोस्तों कि लय प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, कौन सा हो जाएगा? आंचल। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है? तय, थे, लय और श। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो श है, दंत्य वर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन, असंगत विकल्प चुनिए, ने प्लस स्तिक नैष्ठिक, वी प्लस साध विषाद, सु प्लस स्मिता सुस्मिता और नी प्लस सन निषण? तो दोस्तों असंगत विकल्प बताना है इसमें, तो असंगत विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, नी प्लस सन है वो निषण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। फिर है अव्यविभाव समास का उदाहरण नहीं है, द्वार द्वार, आजकल, हाथों हाथ, कुशलता पूर्वक? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आजकल, आजकल है वो अव्यविभाव का समास का उदाहरण नहीं है, यह है द्वंद्व समास का, आज या कल ये होता है इसका समास विग्रह है, आज या कल। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है? मातृत्व, आवश्यकता, ऐश्वर्य, कैशोर्य? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐश्वर्य,
इस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है, ईश्वरीय। अब आता है अगला क्वेश्चन, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्राजे, प्राश्रित, प्राभव और प्राकाष्ठा। तो इसमें पूछा कि परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राश्रित में संधि है दोस्तों, पर प्लस आश्रित प्राश्रित, या हम कह सकते हैं कि पर उपसर्ग है लेकिन इसमें परा का नहीं हुआ है उपयोग। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, धोबिन, पक्षीगण, स्वामी भक्त और अगुणी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पक्षीगण, ऑप्शन सेकंड है वो अशुद्ध विकल्प है। अब आता है अगला क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, खग प्लस ईश खगेश, वी प्लस अभिचार व्याभिचार, देवी प्लस एकता दैव्यकता और धातु प्लस एक धात्विक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वी प्लस अभिचार है वे विचार, ये इसमें गलत है, वी प्लस अभिचार व्याभिचार। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है? रित, आदित्य, ऋतु, सत्य और एरावत का है इंद्र का हाथी, एक नाग जाति का नाम और विद्युत मेघ, ऋषभ का है बेल, श्रेष्ठ संगीत के सात स्वरों में दूसरा, और ओघ का होता है ढेर, प्रवह और बाढ़। तो इसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन्वेषक, अनुष्ण, अनुच्छेक और अनुदत्त। तो इसमें पूछा है कि अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, तो इसमें आ जाएगा अन्वेषक में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्वेषक, अन्वेषक में अनु उपसर्ग है, बाकी में अन प्लस उष्ण, एन प्लस उच्छेक और एन प्लस उद्धत इसमें है, बाकियों में अन का है और इसमें अनु का हुआ है सिर्फ पहले में। फिर आता है अगला, निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, आतिथ्य, अनातिथि, आतिथ्येय और सतिथि। तो अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द पूछा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आतिथ्येय, अतिथि का होता है आतिथ्येय। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिए, युवक, चिकित्सक, किसानी और ज्ञानी। तो भाववाचक शब्द पूछा है इसमें, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसानी, किसानी है वो भाववाचक शब्द है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल राइट है। फिर आता है आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए, अविरोध, अवरोध का होता है विरोध रहित, रुकावट, अगध और अंगद, अगध का होता है रोगी और अंगद का है बालीपुत्र, अनंग और अनग, अनंग का है अशरीर और अनग है बिना नग का, उभय और अभय, उभय का होता है दोनों और अभय है निर्भीक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अगध और अंगद रोगी और बालीपुत्र है, ये इसमें गलत युग्म है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये थी दोस्तों आज के हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप वीडियो ज़रूर देखें और उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।